কর্তব্যরত চিকিৎসককে শারীরিকভাবে হেনস্থার অভিযোগ ফাঁসি দেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। গভীর রাতে ঘোষপুকুরের এক যুবক হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে চিকিৎসকের গায়ে হাত দেন বলে অভিযোগ করেন চিকিৎসক হেমন্ত শাহী। ঘটনার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ফাঁসি দেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনায় পুলিশের অভিযোগ দায়ের করেছে চিকিৎসক। आने के बाद से मैंने पेशेंट अटेंड करना शुरू किया, अटेंड उसको चेक कर रहा हूँ कि भाई ट्रीट बिना किए हुए ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा। चेक कर रहा हूँ उसके सामने तो तुरंत उठा, सडनली स्ट्राइक किया फेस पे, जिससे कि हमारा राइट नोज से हल्का सा ब्लीड होने लगा। ब्लीड हुआ फिर मैंने उसको साइड किया, साइड हटा वहाँ से, उसके बाद वो दौड़ दौड़ के उठ उठ मारने आ रहा। और मैंने कि ऐसे ड्यूटी करते हुए इस टाइप का अगर कंडीशन हो कैसे आदमी ड्यूटी करेगा, क्या करें। ऐसा भी नहीं है कि मैंने आदमी पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहा, अटेंड करने जा रहे, जब चेक कर रहे हैं देख रहे हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होने पे क्या ट्रीटमेंट देगा आदमी, हाँ यहाँ पर ड्यूटी करने का मन करेगा, ड्यूटी करेगा आदमी। इस टाइप से अगर ये कंडीशन रहेगा तो कोई पेशेंट को ट्रीट करता ही हम कभी नहीं होगा ऐसा। देन उसके बाद फिर ये होने के बाद हम लोग थाना में इन्फॉर्मेशन दी, थाना से आकर के यहाँ पर रुके हुए हैं। देन आगे का प्रोसेस कर रहे हैं लोग, एक तो FIR लॉन्च किया जाएगा इसके अगेंस्ट में। हम लोग अपने BMH को, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनको इन्फॉर्म किया हुआ है, देख रहे हैं क्या आगे होता है। ये सब कंडीशन में ड्यूटी करना तो मुश्किल है, यानी कि एक तो आदमी कहीं से आता है 24 घंटे की ड्यूटी होती है, सुबह से आकर के ड्यूटी कर रहे हैं, और रात में 10 बजे कोई दारू पी करके नशा करके इतना आएगा, अब उसको ट्रीटमेंट करने जाए आदमी और इस टाइप से अगर स्ट्राइक करने लगे मारने लगे तो क्या करेगा। एक भी नहीं है कि मैं कहीं दूसरा जगह पे और पेशेंट बैठूंगा, जानने के साथ हैंड टू हैंड पेशेंट को अपने अटेंड किया विद इन मिनट के अंदर, तो फिर क्या करेगा।